हरियाणा बीज विकास निगम के पूर्व चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी नेता पवन बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बेनीवाल ने सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों के धरना स्थल पर यह घोषणा की और कहा है कि अब वह किसानों के साथ हैं। बेनीवाल करीब 7 वर्ष पहले इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर भाजपा में आए थे। उन्हें एलनावाद विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वह हार गए। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर सरकार में उन्हें हरियाणा बीज किसान निगम का चेयरमैन बनाया गया। वहीं गत विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया, लेकिन वह फिर से चुनाव हार गए। बेनीवाल ने कहा है कि वह गत 2 वर्षों से पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसी अटकलें हैं कि वह एलनावाद उपचुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस में शामिल होने की जुगत में है। हालांकि इस बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। किसान धरना स्थल पर किसान नेता प्रहलाद सिंह ने बेनीवाल से को सिरोपा भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने साफ किया है कि अगर बेनीवाल को एलनावाद से कोई पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो जरूरी नहीं कि किसान संगठन उनका साथ दे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला भी अंतिम फैसला होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।